नमस्कार श्रोता बंधु, आमे पाठ करुचे श्रीमद् भगवद गीतार चतुर्थ अध्याय। एबे भगवान कर्मर तत्व को जानिथिबा मनुष्यर प्रशंसा करुछंती। श्लोक नंबर 18। कर्मण्य कर्मय पश्येद् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत। एहर आक्षरिक अर्थ हैला जेउ मनुष्य कर्मरे अकर्म देखे एवं अकर्मरे कर्म देखे मनुष्यंक मध्यरे से ही बुद्धिमान जोगी और सर्वकर्मकारी अर्थात कृतकृत्य। व्याख्या कर्मण्य कर्मयः पश्येत्। कर्म करिबा तथा न करिबा समयरे सेथिरु निर्लिप्त रहिबा अर्थात निज पाई कौनसी प्रवृत्ति बा निवृत्ति न करिबा ही कर्मरे अकर्म देखिबार तात्पर्य। मु अमुक कर्म करुछि एही कर्मर अमुक फल मते मिलु एपरी भावना रखी कर्म कले मनुष्य कर्मरे बांधी होई जाए। प्रत्येक कर्मर आरंभ और शेष थिबारु तार फलर मध्य आरंभ और शेष अछि किंतु जीव निजे नित्य निरंतर रहे। ए दृष्टिरु यद्यपि परिवर्तनशील कर्म और कर्मफल सहित जीवर कौनसी संबंध नाही तथापि फलेच्छा हेतु से बांधी हो जाए। तेणु भगवान 14 नंबर श्लोक रे कहिछन्ति कर्म फलरे मोर स्पृहा नथिबारु कर्म मते बांधी पारे नाही। फल प्रति थिबा स्पृहा बा इच्छा ही बंधन कारक। फले सक्त निबद्धते। फलेच्छा न रखिले नूतन आसक्ति जात हुए नाही एवं परहित निमन्ते कर्म कले पुरातन आसक्ति नष्ट हो जाए। एही भली भावरे राग रूपक बंधन न रहिबारु साधक वितराग होई जाए। वितराग होइगले समस्त कर्म अकर्मरे परिणत होई जाए। कर्मानुबंध हेतु जीवर जन्म हुए। आमे जेऊ परिवाररे जन्म ग्रहण करिछे सेही परिवारर सदस्य मानंक सहित आमर ऋणानुबंध रहिछि अर्थात आमको कहार ऋण परिशोध करिबाकु हेबो त कहाठारु आदाय करिबाकु हेबो। अनेक जन्मरे अनेक व्यक्तिंक ठारु नेइछे एवं अनेकंकु देइछे। देबा और नेबार एपरि व्यवहार अनेक जन्मरु चली आसुछि। एहाकु स्थगित नकले जन्म मरणरु त्राही मिलिबो नाही। एहाकु स्थगित करिबाकु हेले आउ काहाठारु नेबा अनुचित अर्थात निजर अधिकार त्याग करिबा संगे संगे आम उपरे जेउ मानंकर अधिकार अछि सेमानंकर सेवा करिबा उचित। एपरि नूतन ऋण ग्रहण नकरि पूर्व ऋण परिशोध करिदेले ऋणानुबंध समाप्त होइजिबो अर्थात जन्म मरणरु त्राही मिलिजिबो। धरा जाउ कौनसी दोकानी निज व्यवसाय बंद करिबाकु चाहुछि तेबे ताकु दुईटी काम करिबाकु पड़िबो। प्रथमतः जहाकु देबार अछि ताकु देइ देबो एवं जहाठारु नेबार अछि ताहा नेइजिबो अथवा छाड़ि देबो। एपरि कले जाय ता दोकान बंद होई पारिबो। जदि से विचार करे जे जहा नेबार अछि सबु जाक नेबी तेबे दोकान बंद हेबो नाही कारण से नेबा आशारे लोकमानंकु वस्तु देउथिबा पर्यंत दोकान चालू रहिबो बंद हेबो नाही। निज पाई किछि न कले ओ न चाहिले असंगता स्वतः प्राप्त हुए। करण ओ उपकरण हेउछि संसारर से सबु निजर नुहे बरं संसारर सेवा करिबा पाई मिलिछि। तेणु समस्त कर्तव्य कर्म जथा सेवा भजन जप ध्यान एपरिकी समाधि मध्य केवल संसारर हित निमन्ते कले कर्तव्य कर्मर प्रवाह संसार आड़कु चली जाए एवं साधक निजे असंग और निर्लिप्त हो जाए। एहा हेउछि कर्मरे अकर्म देखिबा। प्रकृति सहित संबंध थिबा पर्यंत कर्म करिबा ओ न करिबा उभयकु कर्म कुहाजिब। तेणु कर्म करिबा ओ न करिबा उभय अवस्थारे कर्मजोगी निर्लिप्त रहिबा उचित। कर्म करिबा समयरे निर्लिप्त रहिबार अर्थ हैला कर्म कले मते भल फल मिलिब लाभ मिलिब सिद्धि मिलिब लोके मते प्रशंसा करिबे इहलोक और परलोकरे भोग और पदार्थ मिलिब एहिपरि कौनसी इच्छा अंकुरित नहेबा। सेहिपरि कर्म न करिबा समयरे निर्लिप्त रहिबार अर्थ हैला कर्म त्याग कले मान
आदर भोग शारीरिक आराम इत्यादि मिलिबो एपरि लेस मात्र भी कौनसी इच्छा जाग्रत नहेबा दुखमय मनेकरी ओ शारीरिक कष्ट भयरे कर्म नकरिबा राजस त्याग अटे एवं मोह आलस्य प्रमाद जोगु कर्म नकरिबा तामस त्याग अटे ए दुईटी जाक त्याग सर्वथा त्याज्य ताछड़ा जदि निजर उच्चतर स्थिति उद्देश्य रे ओ समाधि रे सुख नेबा अथवा जीवन मुक्तिर आनंद उपभोग करिबा उद्देश्य रे कर्म त्याग करा जाए तेबे सही त्याग रे प्रकृति ठारु संबंध विच्छेद हुए नाही कारण कर्म न करिबा सहित संपर्क थिबा पर्यंत प्रकृति संगे संबंध अक्षुण्ण रहे प्रकृति रु पूर्ण रूपे संबंध छिन्न हेले कर्मयोगी कर्म करिबा ओ न करिबा अवस्था रे यथावत निर्लिप्त रहे अकर्मणिच कर्मयः अकर्मरे कर्म देखिबार अर्थ निर्लिप्त रही कर्म करिबा बा न करिबा तात्पर्य हेला कर्म करिबा ओ न करिबा समय रे नित्य निरंतर निर्लिप्त रहिबा आवश्यक कौनसी व्यक्ति संसार रे कार्य करिबा पई प्रवृत्त हेले ता सम्मुखरे प्रवृत्ति ओ निवृत्ति उभय उपस्थित हुए कौनसी कार्य रे प्रवृत्ति हुए तो कौनसी कार्यरु निवृत्ति हुए किंतु कर्मयोगींकर प्रवृत्ति ओ निवृत्ति केवल संसार रो हित उद्देश्य रे निर्लिप्तता पूर्वक हुए प्रवृत्ति ओ निवृत्ति रे तांकर कौनसी प्रयोजन न थाए नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन जदि प्रयोजन थाए तेबे से कर्मयोगी नुहंती बरं केवल कर्मी अटंती साधक प्रकृति सहित संबंध स्वीकार करथिबा पर्यंत कर्म करबाकु निजर सांसारिक उन्नति एवं कर्म न करबाकु पारमार्थिक उन्नति बोली भावे किंतु प्रकृतरे प्रवृत्ति और निवृत्ति दुईटी जाक प्रवृत्ति अटे कारण दुईटी रे प्रकृति सहित संबंध रहे चालिबा बुलिबा खाइबा पीबा इत्यादि जेपरि स्थूल शरीरर क्रिया सेहिपरि एकांत स्थानरे बसि रहिबा चिंतन करिबा ध्यानस्थ हेबा इत्यादि सूक्ष्म शरीरर क्रिया एवं समाधिस्थ हेबा कारण शरीरर क्रिया तेणु निर्लिप्त रही लोक संग्रहार्थे कर्तव्य कर्म करिबा उचित एहा ही अकर्मरे कर्म एकथा द्वितीय अध्यायर 48 नंबर श्लोक रे योगस्थ कुरु कर्माणी पदरे कुहा जायछि सांसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दुईटी जाक कर्म एथिरे संदेह आसीपे जे कर्म कला बेले बा न कला बेले निर्लिप्त रहिबा एवं निर्लिप्त रही कर्म करिबा बा न करिबा ए दुईटी रे अकर्म अर्थात एक निर्लिप्तता ही सार तेबे भगवान कर्मरे अकर्म ओ अकर्मरे कर्म देखिबा ए दुईटी कथा काहिकि कहिले एहार समाधान हेला कर्मरे अकर्म ओ अकर्मरे कर्म ए दुईटी रे एकमात्र निर्लिप्तता ही सार होइथिले बि प्रथम चरण रे कर्म कला बेले बा न कला बेले उभय अवस्था रे रहुथिबा निर्लिप्ततार प्राधान्य रहिछि एवं द्वितीय चरण रे निर्लिप्त रही कर्म करिबा किंबा न करिबार प्राधान्य रहिछि तात्पर्य हेला निर्लिप्तता निज पई एवं कर्म संसार पई उद्दिष्ट कारण निर्लिप्ततार संबंध स्व सहित रहिछि एवं कर्म करिबा ओ न करिबार संबंध पर अर्थात शरीर ओ संसार सहित रहिछि तेणु निर्लिप्तता स्वधर्म एवं कर्म करिबा बा न करिबा परधर्म स बुद्धिमान मनुष्येषु जेऊ पुरुष अकर्मरे कर्म ओ कर्मरे अकर्म देखे अर्थात अनुक्षण निर्लिप्त रहे से प्रकृतरे कर्मतत्वर ज्ञाता व्यक्ति निर्लिप्त नहेबा पर्यंत अर्थात कर्म ओ पदार्थकु निजर मने करुथिबा पर्यंत कर्मतत्वकु बुझि नाही बोली जानिबाकु हेब परमात्माकु जानिबाकु हेले परमात्माक सहित निजर अभिन्नता अनुभव करिबाकु पडिब एवं संसारकु जानिबाकु हेले संसार ठारु निज भिन्नतार अनुभव करिबाकु पडिब प्रकृतरे आमे परमात्माक सहित अभिन्न ओ संसार ठारु भिन्न अतएव कर्मरु पृथक होइ अर्थात निर्लिप्त होइ कर्मर तत्वकु जानिबा संभव हुए कर्म आदि अंतयुक्त होइथिबा स्थले मु अर्थात स्वयं जीव शाश्वत एणु स्वरूप दृष्टिरु मु कर्मरु निर्लिप्त एही वास्तविकतार अनुभव करिबा ही जानिबा
ବାସ୍ତବିକତାରେ ମୂଳରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବ ହେବ କିପରି। ସଯୁକ୍ତଃ କର୍ମଯୋଗୀ ସିଦ୍ଧି ଓ ଅସିଦ୍ଧିରେ ସମ ରହନ୍ତି। କର୍ମଫଳ ମିଳୁ ବା ନ ମିଳୁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ କେବେ ବିଷମତା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫଳେଚ୍ଛା ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସମତାର ନାମ ଯୋଗ, ସେ ନିତ୍ୟ ନିରନ୍ତର ସମତାରେ ସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ସଂସାର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ଥାପନ କରିବା ହେତୁ ନିତ୍ୟ ଯୋଗକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଜଡ଼ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଥିବା ନିତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଭୁଲିଯିବା। କର୍ମଯୋଗୀ ଫଳେଚ୍ଛା, ମମତା ଓ ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ କରନ୍ତି, ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ଜଡ଼ ସହିତ ସ୍ୱୀକୃତ ସମ୍ପର୍କ ତୁଟିଯାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ନିତ୍ୟ ଯୋଗ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗୀ କୁହାଯାଇଛି। ଯୁକ୍ତଃ ପଦର ଭାବାର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କୃତ୍ସ୍ନ କର୍ମକୃତ, କିଛି ପାଇବା ବାକି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ବାକି ରହେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବାର ଆସକ୍ତି ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ନାଶବାନ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ନାଶବାନ, ନାଶବାନ ଫଳର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ସମାପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ନାଶବାନରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ରୂପକ ଅବିନାଶୀ ଫଳ ଲାଭ ହୁଏ, ତେବେ କରିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ କର୍ମଯୋଗୀଙ୍କର କର୍ମ କରିବା ତଥା କର୍ମ ନ କରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ରହେ ନାହିଁ। କରିବା, ଜାଣିବା ଓ ପାଇବା ବାକି ନଥିବାରୁ କର୍ମଯୋଗୀ ଅଶୁଭ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଳୋକର ପରିଶିଷ୍ଟ ଭାବ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ମ ବିଭାଗ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଅକର୍ମ ବିଭାଗ। ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ଅକର୍ମ ହିଁ ସାରତତ୍ଵ, ଏଣୁ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ କର୍ମରେ ଅକର୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଅକର୍ମରେ କର୍ମ ଦେଖନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହି କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଜାଣିବା ଓ ପାଇବା ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଯେପରି କୌଣସି କର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ଦିଆଯାଏ, କର୍ମ କରିବା ବେଳେ ଥରକୁ ଥର ଗଣେଶ ପୂଜନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି କର୍ମ ଆରମ୍ଭରେ ଥରେ ନିର୍ଲିପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେହି ନିର୍ଲିପ୍ତତା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏପରି ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସେହି ନିର୍ଲିପ୍ତତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଉପର୍ଯ୍ୟୁକ୍ତ ଦୁଇଟି କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ନିଜଠାରେ ଆଦୌ ଲିପ୍ତତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବଦା ନିର୍ଲିପ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ଳୋକରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା କର୍ମ କରିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ମ ଜ୍ୟାୟୋ ହ୍ୟ କର୍ମଣଃ, ଏବଂ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅକର୍ମ ବା ଅକର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଏବଂ ଏପରି ଦେଖୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି କରିବା, ଜାଣିବା ଓ ପାଇବା ବାକି ରହେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଫଳେଚ୍ଛା ଓ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱାଭିମାନ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 18ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ।